पांच आने वाली साइड में, मतलब 10 लाइन एक साथ है भाई, 10 गाड़ियां एक साथ गुजर सकती है, मतलब 5 गाड़ियां इधर से और 5 गाड़ियां रिटर्न आने वाली साइड से। विमल विमल खा लियो सुबह सुबह भीड़ तीर भी हो, मजा आवे ना तो पेट को पानी को ना लगता है। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी मतलब घाटी है और देखो पूरा डूंगर डूंगर टाइप ही लगा है, मतलब ऐसे एहसास नहीं हो रहा कि हम डूंगर पे चल रहे हैं, मतलब को बहुत ही बड़ी घाटी में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे गाइस हमारा टोल कटेगा, टोल कटने के बाद बेंगलोर रोड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। हमारी गाड़ी खाली हो गई है और देखो ये लास्ट हम पर निकाल रहे बाल्टी में। तो गाइज आज ऑर्डर किया है सेव टमाटर की सब्जी है, बाजरे की रोटी है। ये नहीं लगाओगे, किस लिए मंगाया था भैया? चम्मच लेके आना। हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। तो आज हमारी गाड़ी खाली हो गई है, तो अभी हम खड़े जो हैदराबाद सिटी है, हैदराबाद सिटी के अंदर, मतलब कल वाली वीडियो में तो हम एक होटल पे सो गए थे। तो गाइज वहाँ से मतलब उठ के हम निकले थे रात को मतलब 2:30 बजे के लमसम। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब फिर वीडियो को लाइक। तो गाइज वहाँ से मतलब 2:30 बजे निकलने के बाद हमने कम से कम सफ़र किया था 150 किलोमीटर। तो गाइज यहाँ पर मतलब 6:00 बज गए और 10:11 मिनट पर यहाँ पर पहुँच गए थे। तो गाइज अब हमारी गाड़ी खाली हो गई है। तो चलो गाइज आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो पूरा देख के जाना। चलने दो। सीधा। चलने दो। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 2:30 बजे, अब होटल से निकल रहे हैदराबाद साइड के अंदर। तो गाइस यहाँ से हैदराबाद कम से कम 40-50 किलोमीटर हो रहा है। चलो तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 3:20 और देखो अब रोड पे मतलब ट्रैफिक चलना स्टार्ट हुआ है, इतनी देर पहले ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। तो गाइस देखो जो सामने वो गाड़ी चल रही है ना, वो कच्चे माल वाली चल रही है, सब्जी वाली 8:11। तो गाइस जो ये गाड़ी जा रही है ये भी 8:11 है। तो गाइस 8:11 है धौलपुर के, मतलब राजस्थान के ही है। गाइस यहाँ से जो सीधा रास्ता जा रहा है मतलब इस ब्रिज के नीचे से, ये तो हैदराबाद सिटी के अंदर जा रहा है, तो हमारे को तो रिंग रोड निकलना है, मतलब पहले इस ब्रिज के नीचे जाना पड़ेगा और ये जो साइड वाली रोड है ना, जो ये सामने गाड़ी चल रही है इस साइड में जाना पड़ेगा। तो सामने वाली रोड है वो हैदराबाद सिटी के अंदर ही जा रही है गाइस। तो यह है हैदराबाद की रिंग रोड, जो इधर वो लाइटें दिखाई दे रही है, बहुत फेमस है। तो गाइस हमारे को हैदराबाद की रिंग रोड पर चढ़ने के लिए देखो ऐसे घुमाव चढ़ने पड़ेंगे। ये आ गया टोल, एक्सप्रेस टोल है नहीं। तो गाइस मतलब हैदराबाद की रिंग रोड एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस टोल आ गया। गाइस इधर खड़ा है सुबह सुबह रोल्वो। तो गाइस ये ज़्यादा बड़ा रोल्वो नहीं है, छोटा ही रोल्वो है। तो गाइस यही है वो हैदराबाद की रिंग रोड, और देखो इस हैदराबाद की रिंग रोड पर मतलब एक साथ कितनी गाड़ियाँ चल सकती है। देखो मतलब इसके अंदर बाइक वैसे टेम्पो ट्रैक्टर ऐसी कुछ चीज़ नहीं चलती, ओनली फॉर फोर व्हीलर ट्रक चलती है। तो देखो एक गाड़ी इस साइड में और एक हमारी जहाँ पे चल रही है इस पट्टी में, और 3 पट्टी उस साइड और है, मतलब 5 गाड़ी एक साथ चल सकती है भाई हकीकत में इसके ऊपर, मतलब 5 इस साइड और 5 आने वाली साइड में, मतलब 10 लाइन एक साथ है भाई, 10 गाड़ियाँ एक साथ गुजर सकती है, मतलब 5 गाड़ियाँ इधर से और 5 गाड़ियाँ रिटर्न आने वाली साइड से। जैसे कि गाइस ये रिंग रोड बनी हुई है ना, तो रिंग रोड पे हर जगह मतलब ऐसे बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है। में ये जितने भी लाइटें वगैरह दिख रही है ना, तो पूरी हैदराबाद सिटी इस साइड के अंदर ही है। तो हमारे को तो अंदर तो नहीं जाना है, बाईपास टू बाईपास ही चलना। तो हाईवे के नज़दीक में देखो पेड़ ही बहुत बड़े बड़े लगा रखे, आगे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। विमल विमल खा लियो सुबह सुबह भीड़ तीर भी हो, मौसम बन जाए यहाँ रिलैक्स लागे का हकीकत में गाड़ी चले, मजा आवे ना तो पेट को पानी को ना लगता है कहीं। चादर दे दी ओढ़ लियो और ले रहे सोचो वो है गाइस हकीकत में फाइनली बहुत ही मजा आ रहा है गाइस, मतलब ऐसे गाड़ी को एहसास ही नहीं हो रहा कि गाड़ी चल रही है, और भाई हकीकत में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रोडे तो बहुत देखी है पर बहुत ही मतलब ये कुछ अलग सीख बनी हुई है, मतलब देखो 5 गाड़ी एक साथ गुजर सकती है भाई यार।
में ये लाइटें वगैरह जितने भी दिखाई दे रही है पूरी हैदराबाद सिटी साइड में ये देखो भाई, हकीकत में मेरे को तो बहुत ही अच्छा मतलब नज़ारा दिखाई दे रहा है। और अभी तक हम बाईपास ही चल रहे हैं, मतलब रिंग रोड ही चल रहे हैं, तो कम से कम हमारे को इस रिंग रोड पे 40-50 किलोमीटर सफ़र करना है, तो कम से कम 15-20 किलोमीटर तो काट दिए, 15-20-30 किलोमीटर और निकालने। तो गाइस जैसे जैसे आगे आगे जा रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा इलाका आ रहा है। तो गाइस सामने ये जो बोर्ड आ रहा है, बोर्ड के नीचे ये कॉन्टेक्ट नंबर मांडे हुए हैं, ये मतलब जो ये रोड है ना, इन रोड वालों के कॉन्टेक्ट नंबर है, मतलब हमारी गाड़ी में जो भी मतलब ख़राबी हो गई या कुछ भी हो गया तो उनको जैसे कॉल किया तो टोल वाले आ जाएंगे, मतलब हमारे पास नज़दीक कौन सा टोल पड़ रहा है हमारे को मतलब बोर्ड पे नाम बताना भैया, हम यहाँ पे खड़े फटाफट वो आ जाएंगे। चलो गाइस सुबह सुबह थोड़ा सा ठीक ब्रेक बचा लेते हैं, चला दो उसका सर पर चल रहे हैं न्यू। तो भाई देख लो जैसे भी यूट्यूब चालू किया पहले एड आती है, क्योंकि एड आती है ना तो इनके इनकम स्टार्ट होती है, ऐसे इनकम नहीं लगती है, मतलब यूट्यूब पे जितनी बार भी एड लगती है ना तो ऐसे सपोज कर लिया करो अगले बंदे का मतलब अभी हम चल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी मतलब घाटी है और देखो पूरा डूंगर डूंगर टाइप ही लगा है, मतलब ऐसे एहसास नहीं हो रहा कि हम डूंगर पे चल रहे हैं, मतलब अभी को बहुत ही बड़ी घाटी में चल रहे हैं। लाइट लगा रखी है, मतलब ऐसे एहसास नहीं हो रहा, बिल्कुल अंधेरा वंधेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के, कितना टाइम हो रहा है, 5 बजने वाले होंगे, तो गाइस 10 मिनट कम है 5 बजने में से। तो गाइस यहाँ की भाषा देखो बोर्ड पे कैसे लिखी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बोलो गाइस, इलाका बहुत मस्त लग रहा है मेरे को हकीकत में। ऐसे इसको मोबाइल को बाहर निकाल के ऐसे देखा जाए भाई हकीकत में मज़ा आ रहा है भाई, क्या बताऊँ। यहाँ से हमारे को मतलब नीचे भी उतरना है, सर्विस रोड लेना है, मतलब इतनी देर करना है इस रोड पे सफ़र। तो गाइस इधर देखो सामने बोर्ड आया, मतलब एयरपोर्ट जाने के लिए यही रोड है, तो एयरपोर्ट की रोड लेते हैं, मतलब हमारी आज गाड़ी खाली होएगी इसी साइड पे। यहाँ से और कितना दूर है? 8 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर और सफ़र करना है अभी, फिर हम अगली साइड पे पहुँचेंगे। तो गाइस जो सामने ब्रिज आ रहा है वो रिंग रोड का आ रहा है, और अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये बेंगलोर रोड है, जैसे यहाँ से हमारे को हैदराबाद सिटी के अंदर जाना है वो रास्ता है ना, वो हैदराबाद सिटी के अंदर ही जा रहा है, जिस साइड से वो जैसे भी आ रहे हैं वो रास्ता हैदराबाद सिटी के अंदर ही जा रहा है। जैसे ही गाइस हमारा टोल कटेगा, टोल कटने के बाद बेंगलोर रोड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। गाइस आज ऐसे रास्ते पर गाड़ी जा रही है देखो, और पीछे भी कंपनियाँ भी आ रही है इस साइड में, अभी आई थी देखो, आज थोड़ा सा रास्ता तो ख़राब है, कम से कम 1 किलोमीटर पार कर दिया और 2 किलोमीटर इसी रास्ते और चलना है। आज का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, और अब पता नहीं किस साइड में जा रहे हैं, हमारे ड्राइवर बात कर रहे हैं उनसे तो भैया इधर आना या फिर आप आ जाओ हमारे को यहाँ पर लेने के लिए। तो गाइज हम वहाँ से कम 2:30 पे निकले थे, तो ऐसे सोचा था कि अगली कंपनी के पास कम से कम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा 6:11, थोड़ा रास्ता ख़राब था इसलिए वहाँ 10 मिनट ऊपर लग गए, नहीं तो बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचते।
तो गाइस जो ये कंपनी थी दिव्या साई, इस कंपनी के मैं अंदर जाके आया था, वॉचमैन से बात करके आया था। उनने बोला भैया कम से कम 7-7.5 बजे आना बिल लेके, फिर आपकी गाड़ी मतलब खाली। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, और हमारी गाड़ी ले ली साइड में जाएगी खाली होने के लिए आगे। तो गाइस ये मतलब कंपनी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है अंदर से। यहाँ पे देखो थोड़ा गार्डन वगैरह बनाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे भी देखो जगह जगह CCTV वगैरह लगे हुए हैं। तो गाइस इन कंपनियों को कुछ मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कोई प्लाई वलाई की कंपनी है। यहाँ पे देखो इस साइड में कचरा कचरा पड़ा है, जो प्लाई करती है ना वो प्लाई का कचरा पड़ा है। तो इस साइड में जा रही है आगे, ये देखो मतलब ऐसे कागज टाइप के बंडल ला ला के रख रहे प्लाई के ऊपर, प्लास्टर व्लास्टर करते हो गए। यहाँ पे देखो अंदर चक्की वक्की लगी हुई है। तो गाइस देखो जो प्लाई के ऊपर वो आती है ना कुछ अलग अलग डिजाइन बनी हुई, वो डिजाइन बना रहे शायद तक ऐसा लग रहा है। कुछ इस प्रकार से सैंपल निकाल रहे हमारे टैंकर में से, थोड़ा बोल कर नहीं सकते। तो गाइस इधर देखो पीछे के शीशे में मतलब वाल खोल रहे और पाइप लगा रहे, हमारी गाड़ी खाली करेंगे। देखो शीशे में अभी तो वाल को खोल रहे, फिर इसके अंदर पाइप लगाएंगे। इधर देखो ये दो बड़ी बड़ी टंकियां दिखाई दे रही है, इन टंकियों में गाड़ी खाली होगी। आज हमारी गाड़ी खाली हो गई है। अब देखो ये लास्ट सैंपल निकाल रहे बाल्टी में। कम से कम 15-20 लीटर निकलेगा, जो पाइपों में रहता है ना केमिकल, वो केमिकल निकलेगा। देखो एक बार वो। तो गाइस हमारी गाड़ी खाली हो गई है, मतलब गाड़ी को कांटे पे लगा दिया, फिर से खाली गाड़ी को कांटे करवा रहे। जब हम गाड़ी को खाली करते हैं ना, जो ये 5 खिल्ले हैं ना, इन खिल्लों को 5 को नीचे पटकना पड़ता है। जब भी मतलब जो केमिकल है ना वो बाहर निकलता है, जब तक नहीं निकलता है। देखो इस वजह से इसे ऊँचा कर सकते हैं, वजह से वापस नीचा भी पटक सकते हैं। तो ड्राइवर गए कांटा पर्ची लेने के लिए। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 11:30, और हमारी गाड़ी लमसम 9 बजे ये जो सामने वाली कंपनी है ना इस कंपनी में खाली हो गई थी। तो अब बाहर ला के लगा दिया गाड़ी को। बाहर इसलिए लगाया क्योंकि कंपनी में सामने ज़्यादा कांटे के पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे लगा दिया। तो अभी तक हमारे को उन लोगों ने कागज़ नहीं दिया, वो कागज़ देंगे ना फिर यहाँ से निकलेंगे। मतलब अभी तक हमारे पास कांटा पर्ची है। तो गाइस अब जाके यहाँ से हमारे को रोड मिली है इतनी देर पहले। तो ये देखो इधर सिंगल रोड है, सिंगल रोड आ रहे थे, रात को गए थे भाई, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे वड्ढे थे। तो गाइस रात को गए थे तो इतनी मिट्टी नहीं उड़ती दिखाई दे रही थी, अभी आए तो भाई इतनी पीछे मतलब मिट्टी उड़ती दिखाई दे रही थी। तो गाइस इधर देखो छोटी कार। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है 1:40, और अभी हम पहुँचे चोइला। अब तो गाइस थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम हुआ है, इतनी देर पहले देखो शांति रखती। मैंने तो वीडियो वगैरह भी बंद कर दिया, मैंने सोचा आगे बना लेंगे तो कोई बाइक वगैरह अंदर आके गिर जाए अच्छा नहीं लगता, मतलब शहर के अंदर गाड़ी रोक झगड़ा करना पड़ेगा, इसलिए बंद कर दे। क्या होने वाला आगे दिखा देंगे जो भी चीज़ है। रोड पर देखो जगह जगह ब्रेकर, और ऐसे मतलब पता नहीं डंडे की तरह ऐसे घुमा के रख दिया। बैरिकेड तो यहाँ पर लगाए नहीं, चार डंडे लगा दिए दोनों साइड, और कहीं कहीं तो मतलब डंडे को ही तोड़ डाला किसी गाड़ी वाले। अब देखो यहाँ पे एक डंडा था, डंडे को तोड़ डाला, तो इतना मतलब जोर से झटका लगा। इतनी जल्दी क्यों काटी गाड़ी है? अभी मैं गिर जाता तो जैसे आपने इसे कट मारा मैं उधर बाहर फंस जाता, फिर क्या करते? नहीं बेरियल, ऐसे कौन सा बेरियल था? नहीं आप कहाँ से क्लासी लेके आते, मैं अचानक बाहर फंस जाता था। थोड़ा सा ऐसे झटके वटके कम दिया करो। देखो ट्रेन इसके ऊपर डब्बे लोड ही नहीं है, मतलब डब्बे नहीं लोड है, ऐसे पहिए पहिए लगाए हुए मालगाड़ी है। कोई कैंटीनर ऐसी कोई चीज़ थी तो उतार के आइए। तो गाइस मेन मुंबई के आए हुए, तो अब आइए। इतनी देर पहले तो हम गावड़े गुफे में चल रहे थे,
तो यही है, मेरे ड्राइवर पता नहीं किधर किधर से लेके जा रहे हैं, मतलब रोज़ चलते हैं तो इनको पता है लाइन वन मेरे, मतलब ऐसे नेट पे एड पे देखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब किधर जाना है कौन सा गांव है। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा 3 बज रहे हैं और अभी हम पहुँचे संगारेड्डी, देखो सामने बत्ती लगी हुई है संगारेड्डी। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 5। तो गाइस अभी तक हमने गाड़ी रोका ही नहीं, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था ना। अब आना उगाड़ दू टकड़ा तो खतरनाक है, बन मैं आगे बड़ा खोल देती हूँ। तो गाइस गाड़ी को लेके आए सर्विस सेंटर पे, गाड़ी करवाएंगे सर्विस। और अभी देखो मैं गाड़ी को करूँ, मतलब ये जो टैंक के ढक्कन है वो ओपन कर रहा हूँ। पहले तो ये बड़े वाले हैं, ये तो सुबह ही खोल देते, ये छोटे वाले ढक्कन अभी खोले, मतलब इसको अंदर से और सर्विस कराएंगे इसकी। गाइस आज हम मुंबई नहीं जाएंगे, मतलब सेठ जी ने हमारे पास कॉल करके मना कर दिया, उनने बोला कि भैया इंदौर रोड जाना है, मतलब यहाँ से बहुत दूर है, अभी तो आज तो नहीं पहुँचेंगे, बोले मुंबई नहीं जाएंगे। जैसे कि अभी हम खड़े हैं मतलब मुंबई टू हैदराबाद रोड पे, ऐसे ही मुंबई टू गोवा रोड है उस रोड पे जाना है। तो गाइस गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लगा दिया, अब मतलब जो ये टैंकर है ना इतना बड़ा, इस टैंकर के अंदर से सफाई करवाना, मतलब पूरे टैंकर की पाइप डाल के, और बहुत ज़्यादा प्रेशर है मतलब इस पाइप का, तो मतलब जिस इस टैंकर में जितना भी पानी आएगा ना, मतलब ये प्रेशर से धोने के कारण से, तो हम आगे रास्ते में जाके निकाल देंगे यहाँ से, मतलब टैंकर की सर्विस करवाना है अंदर से, और बाहर से भी देख लेंगे। और अभी 2 दिन पहले मैंने की थी, देखो उतनी ख़राब नहीं हुई है, और वैसे गाड़ी है रोड पे चलती है तो ख़राब ही होती है, आपको सबको पता है वो, तो मतलब गाड़ी एक जगह खड़ी खड़ी भी अच्छी नहीं लगती ना। तो गाइस ये जो बाहर निकल रहा है, ये जो हम आज दिन में गाड़ी खाली करके आए थे वो माल है, और ऊपर से सर्विस करना कर दिया स्टार्ट, अभी अंदर भी जाएगा ये जो पानी है ना, ये पानी अंदर भी जाएगा। तुम किससे बात कर रहे हो वीडियो कॉल, किससे कर रहे हो वीडियो कॉल बात, कौन है तू, बीड़ी क्यों पी रहा है, कैंसर हो जाएगा, बीड़ी वीडी मत पिया कर। तो गाइस हमारे साथ वाले ड्राइवर थे, यहाँ पे जो ये नलका है ना, अब देखो जैसे जैसे पानी अंदर जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा स्पीड बढ़ती जा रही है, जो नलका है नलके की, मतलब अंदर ऐसे पाइप डाल के और भी इस पाइप को ऐसे घुमा रहे, मतलब पूरे टैंकर के अंदर उसका वाल है ना ऊपर का, उसके अंदर हाथ डाल रहे ऐसे पूरा हाथ, और फिर ऐसे हाथ से पूरी पाइप को अंदर घुमा रहे। गाइस हमारी गाड़ी की मतलब अंदर से तो सर्विस कर दी, जो ये टैंक है ना इतना बड़ा, इस टैंक में पानी डाल के मतलब अंदर से फुल प्रेशर से धो दिया, अब थोड़ी सी कर रहे हैं बाहर से सर्विस, तो मतलब ज़्यादा गंदी तो नहीं हुई है गाड़ी, मतलब सर्विस करने के बाद अभी तक कम से कम 800 किलोमीटर तो काट दिए, तो एक बार और करवा लेते हैं। तो गाइस जब गाड़ी निकालते हैं, वेक क्लास सीट पर जाके बैठना पड़ेगा साइड बताने के लिए, जिस साइड में गाड़ी की सर्विस करवा के आ गए, यहाँ से भाई हमारे को यूट्रन लेना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ से रॉन्ग साइड गए थे, और वहाँ पे आ गए सर्विस सेंटर, तो अब यहाँ से उस साइड में निकलना पड़ेगा, ड्राइवर साइड में टर्न लेना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइस हमारे ड्राइवर है ना, वीडियो बनाता हूँ तो बीड़ी गुटखा कुछ नहीं खाते है, ऐसे बोलते हैं कि मैं नहीं खाऊँगा, अभी देखो बीड़ी पी रहे, अब फेंक दो क्यों पी रहे हो। तो गाइस इधर देखो खेतों में आग लगा रहे हैं, मतलब जो नीचे पुराना कचरा पड़ा रहता है ना उस कचरे को जला रहे हैं। तो गाइस आज मेरे ड्राइवर तो नई गाड़ी लेके जा रहे हैं, किधर जा रहे हो। तो गाइस किधर ही नहीं जा रहे, मतलब ये जो गाड़ी है ना हमारी कंपनी की है, तो इसको मतलब इधर चिपका के लगा रहे, जो हमारी गाड़ी है यहाँ पर आ जाएगी, मतलब दोनों कंपनी गाड़ियाँ एक साथ ही खड़ी हो जाएगी। चलने दो चलने दो, तुम्हारा पानी की बाल्टी है ना, वो जो सामने वाली गाड़ी है इस गाड़ी के आगे रख दी है, बोनट पे रख लिया। तो गाइस अब हमारी गाड़ी को लगाना है यहाँ पे, लग जाएगी बहुत जगह पड़ी है, मतलब यहाँ तक आ जाएगी, देखो पहले गाड़ी यहाँ पे। तो गाइस देखो गाड़ी लगा दी है, थोड़ी जगह बची है, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं बची है। ये जो गाड़ी है ये हमारी कंपनी वाली है, 7 वाली। तो अब चलो सामने बाबा रामदेव राजस्थानी होटल, खाना वाना खा के आ जाते हैं। गाइस सामने होटल खाना वाना खाने के लिए जा रहे हैं, और मैंने घी का डब्बा हाथ में ले लिया, ड्राइवर भी आ रहे हैं, दोनों साथ में मिल के खाएंगे। तो गाइस आज ऑर्डर किया है सेव टमाटर की सब्जी है, बाजरे की रोटी है। घी नहीं लगाओगे, किस लिए मंगाया था भैया, चम्मच लेके आना। तो गाइस उधर सलाद वलाद आ गई, दही तो लेंगे नहीं, थोड़ा बहुत ठंड है तो दही लड़ सकता है, मतलब खांसी ऐसी आने लग जाएगी। हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आया, तो गाइस पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।